Hey friends, marhaba. I am your Samira Aziz, and your Samira Aziz is here again with you for you in your own show, Smile with Samira Aziz. So friends, are you ready to flaunt your smile and to be happy and to support a smile? Peace. Friends, main layi hu is dafa aapke liye Doshi Sabri ko. मुझे लगता है कि मुझे इस तरह के शोज करते रहने चाहिए क्योंकि आप लोगों की इतनी भरपूर भरपूर सी सपोर्ट है. हज़ारों से आप लोग मुझे जो है फॉलो करते हैं और मुझे कुछ गिल्टी सा फील होता था. थैंक्स फॉर माय सोशल मीडिया टीम, ब्रेन बगाडिया, नोमान, ये लोग सब पोस्टिंग्स करते हैं और आपको मुझसे कनेक्ट रखते हैं. लेकिन मेरा भी तो कुछ ना कुछ कहना चाहिए कि हक फ़र्ज़ बनता है, आपका हक बनता है, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ दूँ. बस तो इसी वजह से मैं लेके आई ये शो आपके लिए. तो मौका भी है, दस्तूर भी है, ऑनलाइन का आजकल सुरूर भी है. देखते हैं तोशी साबरी हमसे क्या कहना चाहते हैं. I'm very good, alhamdulillah. आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक. सब सही है. हाँ जी, रमजान मुबारक. रमजान मुबारक आपको भी. एक्चुअली मैं वो थोड़ा सा इंटरनेट का इशू कुछ हो रहा है आई थिंक मेरे रूम में, बिकॉज आई वॉज प्रेइंग. मैं अभी जोहर की नमाज बस अदा करके, मैंने आपको मैसेज भी किया था कि मैं नमाज अदा कर लूँ. हाँ. तो बस जोहर पढ़ के मैं सीधा बैठ गया हूँ, मुसल्ला भी नीचे रखा है. जी आपने, आई मीन यू आर वन ऑफ द फाइनलिस्ट, यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट जर्नलिस्ट आई हैव एवर मेट इन माय लाइफ. सो मच, थैंक यू. सीरियसली पुराने हो गए ना, मेरा भी जी. और जितने व्यूअर्स यहाँ देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि मैं और समीरा आई थिंक एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं और माशाल्लाह मेरा ख्याल में 10-12 साल समीरा आई गेस हो गए होंगे हमको या उससे ज्यादा. क्योंकि मेरे वालिद साहब, हाँ मेरे वालिद साहब को इंतकाल करके 8 साल हो गए. तो वालिद साहब, तो जब पहली बार मुलाकात हुई हमारी उस वक्त वालिद साहब मेरे साथ थे. फिर हज के, फिर उमरे के लिए हम लोग साथ आए. तो आई गेस 12 साल से ज्यादा मेरे ख्याल में, 12-13 साल. जी तो और कैसे हैं? और अपना आज वो बेटा भी दिखा रहा है, इधर है. हाँ जी, बेटा किधर है? हाँ वो इधर ही तो है मेरे पास. इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ. इनके पास बहुत अच्छी जूजू है. अच्छा, बाय द वे, ईसा इज अ फैन ऑफ कैट्स. मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा कोई पसंदीदा एनिमल है तो वो बिल्लियां है. ही लव कैट्स. और आपके पास तो, आपके पास तो बहुत सारी है ऐसा. हाँ, अभी मेरी बच्ची ने 4 बच्चे दिए. सलाम करो, सलाम करो, सलाम करो दोस्त से. अस्सलाम वालेकुम, हाथ से. वालेकुम अस्सलाम. अच्छा आप, हाँ आप ईसा को कैट देंगी ना? आपके पास 4-4 कैट्स है ना? मेरे पास 4-4 कैट्स है. तुम्हें जद्दा आना होगा. मुझे दोगी कैट? मैं कौन हूँ? He's asking. आप मुझे कैट दोगी? He's asking. हाँ हाँ, मैं आपको कैट दूंगी. मेरे पास बहुत सारी कैट्स हैं. उनके पास डॉग भी है. डॉग? डॉग भी है? डॉग नहीं है, लेकिन डॉग डॉग है. मैंने लॉकडाउन में ना ईसा को ये कर दिया, उसके बाल सब निकाल दिए मैंने. मैंने ये मैंने खुद ही किया. अच्छा, ट्रिमर मशीन से. हाँ तो शी, तुमने अपना हेयर स्टाइल चेंज? नहीं 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 नहीं, कर लिए हैं पूरे. वो मैंने नमाज के लिए बांधा था तो मैंने बांध लिया, वैसे ही है. हाँ हाँ, याद है.
वो बड़ा सूट करता था। हाँ हाँ वही वैसे ही बाल है जी। हाँ ये इतना मुझे लगता है कि वही वाला जो गोल गोल बाल है ना वही वाला। तो ये आई थिंक इंटरनेट जो है वो स्लो है तो इंटरनेट। हाँ ये हाँ इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम, आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। लेट मी जस्ट ऑन द वाईफाई एक सेकंड ना। सो मैं चाहूंगी कि हमारे जो फॉलोवर्स हैं वो अपने अपने सवाल लिखें, आप लोगों ने कौन कौन से सवाल जो हैं वो किए हैं। और जी अब सही है ना। हाँ तो मैंने यहाँ पर मेरे को बोला है जो फॉलोवर्स बताएं आप कौन सा मेरे साथ मुझे ऐसा लगता है वो जो बोल बाल जैसे थे ना वैसे। और इसके बाल भी कर ली है इसके भी। हाँ सही कर ली है पूरे। तो पते अच्छा तोशी क्योंकि ये हम गाने तो सुन नहीं सकते, रमजान है तो हम सुनाते जी। हमारी स्टोरी इतनी रिच है, एक मतलब सेल्फ मेड इंसान होता है तो हम वो जर्नी करेंगे। अच्छा समीरा एक सेकंड में जरा मैं बाहर निकलता हूँ, आई गेस बाहर इंटरनेट अच्छा ज्यादा हो मेरे हॉल में। लेट मी जस्ट क्योंकि इतनी आपकी आवाज कट रही है ना मैं कुछ सुन ही नहीं पा रहा हूँ। जी बिल्कुल। इम्तियाज खान जर्नलिस्ट फ्रॉम हैदराबाद एंड इंजीनियर तैयब नॉट अब क्लियर हो जाएगी। अभी क्लियर है लगता है। मैं क्यों लोगों को पसंद करती हूँ और उनकी स्पिरिट स्टोरी जो है वो इसलिए आजकल इतना डिप्रेशन हो गया है और ना लोगों में सुसाइड के अटेम्प्ट्स और ये सब कुछ हो रहे हैं, उनमें सब्र नहीं है, बर्दाश्त नहीं है लोगों में जी। तो ऐसे लोग हैं जिनमें बड़ी हिम्मत है, हौसला है और जिनकी एक लंबी जर्नी और जिनमें बार बार गिर के खड़े होने का हौसला है, तो ऐसे लोगों को ना सामने लाना चाहिए और उनकी जर्नी सुननी। लोग अब देख रहे हैं तोशी साबरी और ये इस तरह से वो माही और वो जो माही से पहले की एक स्ट्रगल थी वो सब थोड़ा सा पहले के बारे में। अभी क्लियर है मेरी आवाज? हाँ बिल्कुल क्लियर है बिल्कुल। हाँ बट आपका तस्वीर थोड़ा क्लियर नहीं है अभी। एनीवेज जी आपने कुछ कहा माही से पहले की स्टोरी। हाँ देखिए हर एक आर्टिस्ट की एक अपनी कहानी होती है एंड बिना कहानी की आई गेस कोई भी आर्टिस्ट या कोई भी किरदार, मैं तो कहूंगा आर्टिस्ट की क्या बात करें, एक कोई भी ऐसा कैरेक्टर की जिसको दुनिया ने जाना है, पहचाना है, पसंद किया है या ना पसंद किया है, व्हाटएवर इट इज, उसके पीछे एक कहानी जरूर होती है। तो मेरी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी रही है बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम अ म्यूजिकल फैमिली और माय फादर वाज अ क्लासिकल सिंगर, बहुत बड़े उम्दा कव्वाल थे अपने ज़माने के, बहुत बड़े फनकार थे। मेरे दादाजी बहुत बड़े फनकार थे और बहुत नाम किया उन्होंने अपने एक ज़माने में। मैं सुनता हूँ कहानी अपने बड़ों से कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का डिवीज़न नहीं हुआ था तब रावलपिंडी और पेशावर बहुत जाया करते थे हमारे दादाजी वगैरह, और रावलपिंडी और पेशावर से नुसरत फतेह अली खान साहब के वालिद साहब फतेह अली खान साहब, ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही सुनी। मेरी फूफी जो है वो माशाल्लाह काफी ज़ईफ है तो और एक मेरी ताई माँ है, मेरी बड़ी माँ जो है वो माशाल्लाह काफी ज़ईफा है, उनकी भी कुछ 80-85 साल की उम्र है। तो मैंने उनसे सुनी ये कहानी कि तुम्हारे दादा के कॉन्सर्ट हुआ करते थे रावलपिंडी पेशावर में और नुसरत साहब के वालिद साहब फतेह अली खान साहब और तुम्हारे दादा वो लोग साथ में कॉन्सर्ट किया करते थे और उस जमाने में वो लोग हिंदुस्तान आते थे, फिर वो सहारनपुर हमारा जो हमारा नेटिव प्लेस है वेयर वी ऑल बिलोंग फ्रॉम, सहारनपुर आया करते थे, वो महफिलें होती थी बहुत बड़ी बड़ी और बहुत कमाल की महफिलें हुआ करती थी। तो बड़ा सुन के मुझे गूज़बम्स आए, मैंने कहा यार वाकई में क्या ज़माना होगा वो कि नुसरत साहब के वालिद साहब फतेह अली खान साहब और हमारे दादा और दादा के बड़े भाई जो थे, मेरे दादा और यूसुफ याकूब दो
भाई जिनके नाम से हमारा घराना है और बड़ा मशहूर नाम रहा उनका अपने जमाने में, बहुत बड़े क्लासिकल गवैये थे, जैसे कि हम दोनों भाई साथ में काम करते हैं मैं और सारे, इस तरह से मेरे दादा और दादा के बड़े भाई यूसुफ अली खान, याकूब अली खान के नाम से उनका ड्यो था। तो फिर म्यूजिक हमारे समझ लो आपके रगों में है, और म्यूजिक बचपन से को देखा, वाले साहब को देखकर शौक पैदा हुआ, फिर उनके साथ उनके उनके कॉन्सर्ट ज्वाइन करना शुरू किया, साथ में जाना बहुत ज्यादा शौक पैदा हो गया, फिर सीखना शुरू किया, फिर 12 साल सीखता रहा। 12 साल के बाद आई स्टार्टेड माई जर्नी एज अ नॉर्मल सिंगर, जैसे एक सिंगर की क्या मैं बताऊं, स्टार्टिंग होती है कि छोटे मोटे शोज में गाना, छोटे मोटे बर्थडे पार्टीज में गाना। हाँ, तो वही एक छोटी मोटी जर्नी जो एक होती है, एक छोटे से शुरुआत करना, इस तरह के शोज करना, और फिर उसके बाद मैं दुबई चला गया था, 2-3 साल दुबई में रहा, फिर 1 साल सिंगापुर में रहा, वहां भी मैं शोज ही करता था, मैं गाता ही था। आई यूज टू सिंग फॉर स्मॉल गैदरिंग, फॉर स्मॉल बर्थडे सेलिब्रेशन, यू नो, फॉर स्मॉल स्मॉल गैदरिंग आई स्टार्टेड सिंगिंग टू अर्न मनी, और मुझे एक्सपीरियंस करना था अपनी जिंदगी में कि मैं एज ए सिंगर कहाँ स्टैंड करता हूँ, और मैं अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से अलग होके क्या मैं रह सकता हूँ, क्या है मेरी ताकत क्या है। तो मैं 4 साल मैंने हिंदुस्तान के बाहर दिए अपने, और उसके बाद में मैं इंडिया वापस आया। जब मैं इंडिया वापस आया तो मुकद्दर की शुरुआत इस तरह होनी थी कि वो वॉइस ऑफ इंडिया जो मेरा पहला शो था, टीवी रियलिटी शो, वो मुझे ऑफर हुआ। वो एक्चुअली मुझे दुबई में ऑफर हुआ था, मैं दुबई में ही था, एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ द शो कि मैं एक ऐसा शो बना रहा हूँ तो मुझे तोशी तुम्हारी जरूरत है, बिकॉज द डायरेक्टर ऑफ द शो गजेंद्र सिंह जो थे, उन्होंने मुझे बचपन से सुना है, ही नोज मी फ्रॉम माई चाइल्डहुड, बिकॉज मैं बचपन में टीवी रियलिटी शो का हिस्सा रहा हूँ, किड्स स्पेशल जो आते थे एपिसोड्स, सारेगामा के एपिसोड्स आते थे उसमें, तो उन्होंने मुझे बचपन में सुना होगा कभी 10-12 साल की उम्र में, तो उन्होंने अंदाज लगाया कि ये बच्चा 12 साल में इतना अच्छा गाता था तो अब तो ये बच्चा 20-22 साल का हो गया होगा। अरे वाह वाह, इस अ कैट, खुद ही आ गया, देखो इसके 4 बच्चे हैं, बस 4 बच्चे। ये आपको चाहिए, आपको चाहिए, चाहिए मुझे। आप खेलोगे? खेलूंगा। कैसे? इसके साथ ऊंचा करते हुए, उठा करके खेलेगा। ओ माय गॉड, प्यार कर लो ऐसे। अब नाम पूछ लो, कह दो आपका नाम क्या है। नाम ना हंसी है, कहते हो का नाम क्या है, क्या तू? हाँ देखो, कितनी बड़ी जूजू, कितनी बड़ी जूजू, देखो ये कॉल्स। हाँ, ये बिल्लियों को, ये बिल्लियों को जूजू बोलता है, जूजू। All the lights open, please. हाँ जी, तो फिर वहां से शुरुआत हुई। उनको अंदाजा था कि ये बच्चा जो बचपन में इतना तैयार गाता था वो अभी जवान हो गया तो और अच्छा गा रहा होगा, तो उन्होंने मुझे फोन किया। मैं दुबई में था, ही टुक माई नंबर फ्रॉम माई मॉम, मॉम डैड को फोन किया और वहां से मेरा नंबर लिया कि दुबई का नंबर दो तोशी का। देन ही कॉल्ड मी एंड सेज कि मैं एक शो बना रहा हूँ, मुझे उस शो में तुम्हारी जरूरत है। मैं 20-21 साल की उम्र थी मेरी, ज्यादा मेरी उम्र थी नहीं, तो 21-22 साल की उम्र के बच्चे को इतनी अकल तो सलाहियत नहीं होती है, तो मैं वहां पैसे कमा रहा था। आई वॉज डूइंग शोज एंड मैं पैसा, अच्छा पैसा कमा रहा था। देन आई कॉल्ड हिम, ही कॉल्ड मी अबाउट द शो एंड आई आस्क्ड हिम, सर मुझे पैसे कितने मिलेंगे? मतलब एक टीवी रियलिटी शो मुझे ऑफर हो रही है और मैं बंदे को पूछता हूँ मुझे पैसे कितने मिलेंगे, बिकॉज उस वक्त की सलाहियत और अकल नहीं थी कि क्या होता है टीवी, क्या होता है फेम। गाना सीखा है, बस नाम करना है, शोहरत करनी है, ये सोचा था, मगर कोई टीवी शो के जरिए नाम होगा या ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ ख्याल थे नहीं, दिमाग में था नहीं ऐसा कुछ। फिर वो रियलिटी शो हुआ जिंदगी में, उसने बहुत इज्जत दी, बहुत शोहरत दी, बहुत नाम दिया। मैं कहूंगा कि मुझे आज भी जो लोग पहचानते हैं उसमें कहीं ना कहीं वॉइस ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा रोल है, जो लोग मेरा चेहरा पहचानते हैं, बिकॉज टीवी पे रहा और मेरे गाने जो मैंने गाए लोगों ने बहुत मकबूलियत से सुना, उन्हें बहुत मकबूल हुए वो सब गाने और बहुत पसंद किए लोगों ने,
कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गाने मैंने गाए हैं रियलिटी शोज में, तेरी दीवानी या पीआरए, ये सब गाने लगता है कि ये सब मेरे हैं। लोग मुझे बोलते हैं कि आपका तेरी दीवानी, आपका पीआरए, तो वो एक पहचान बहुत बड़ी मिली और बहुत बड़ा सपोर्ट मिला जिंदगी में। उस तरह फिर रियलिटी शो की शुरुआत हो गई, फिर नाम हुआ, शोहरत हुई, फिर पहला गाना मिला, भट्ट साहब से मुलाकात हुई, राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज में पहला गाना माही मुझे मिला, उसके बाद फिर जर्नी शुरू हो गई, कहानी चल पड़ी। जी सही, और सही बात है, मतलब वो उस टाइम ना रियलिटी शोज वगैरह जो है ना इतने क्या नाम है होते भी नहीं थे, और जो होते थे वो बड़े मतलब रियली में वो सही शोज होते थे, और मतलब लोग उनको वाकई में जो है उनकी एक वैल्यू थी, हकीकत थी उनमें। अब तो बड़ा ड्रामा हो रहा है, और अभी तो ना लोगों का बड़ा एतमाद भी उड़ गया है, ट्रस्ट भी उड़ गया है रियलिटी शोज वगैरह से। उस टाइम के रियलिटी शोज जो है वो अलग तरीके थे के होते थे, और दूसरा दुनिया होते हैं कुछ पीरियड गोल्डन पीरियड होता है, मुझे लगता है कि आपकी जिंदगी में वो एक गोल्डन पीरियड था। अगर कोई और सिंगर इस वक्त हो और रियलिटी शो में आ रहा है, डजंट मैटर, मतलब वो जो एक टाइम था तो डेफिनेटली, और उसके बाद जो है जो आपने एकदम से माही जब उस टाइम पे आया एंड यू वर नोटिस, लोगों को बड़ी तवक्कात थी, और उसके बाद भी बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वो लोगों के जहन माही बन चुका था ना जी, वो फर्स्ट पहली चीज ना हमेशा पहली होती है जिससे लोगों को हमेशा ना वो याद रहे, कुछ भी कर ले, अब आप सोने की काम जो है ना खोद लें लेकिन लोग माही तो नहीं बोलेंगे जो उसकी एक इम्पोर्टेंस। सही बात है। और आपने उसके बाद कौन कौन सी की, मेरे पास यहाँ पे है एक तो ये हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, सैटरडे सैटरडे ना, समझावा भी बड़ा प्यारा सॉन्ग था, सॉन्ग है जी, और इमोशनल फूल, और ये एक हाउसफुल थ्री का था आई थिंक प्यार की, और रेशम का रुमाल जी, इन सब में अपना कौन सा पसंदीदा गाना है? इन सब में वैसे मेरा फिल्म शायद आपको दिमाग जहन से निकल गया होगा, एक फिल्म का म्यूजिक किया था हमने, फिल्म का नाम जिद था, उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल एल्बम था वो, उस फिल्म के सारे गाने सुपर हिट हुए थे, आपने सुने होंगे शायद, जो जनता जो ऑडियंस हमें देख रहे हैं यहाँ पे उन्होंने भी सबने सुने हैं वो गाने, तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए, और मरीज इश्क हूं मैं कर दे दवा, सांसों को जीने का सहारा मिल गया, सो दीज वर द एल्बम ऑफ तो मुझे मरीज इश्क मेरा वन ऑफ द फेवरेट कॉम्पोजिशन है, जो कि अभी रिलीज भी किया है हमने, उसको रीवैम्प करके एक नया वर्जन रिलीज किया है, शारिब ने गाया है, शूट किया है यूरोप में, काफी पहले शूट किया था वो, अभी रिलीज किया है, तो अगर मेरे काम में किया हुआ काम मुझसे पूछे आपके मेरा फेवरेट कौन सा काम है, तो आई मस्ट से कि मरीज इश्क इज वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक। माही को अगर दोबारा से रीशूट करें ना तो फिर वो सऊदी अरेबिया में करेगा। हाँ जरूर, एक वर्जन सऊदी अरेबिया वाला भी बनाएंगे माही का। जरूर इंशाल्लाह जी, उसमें हम अपनी अरब को लैला बनाएंगे, और यू नो जो सऊदी अरेबिया की लोकेशन जी जी जी, बलद वगैरह का जैसे एरिया है ना बड़ा, आप जी कर सकते हैं। मैंने मैंने ऐसा सुना था कि ऐसा कोई जादू जिंदगी में हो सकता है कि आप अपनी उम्र को रोक दें, अपने वक्त को रोक दें, पर ऐसा देखा नहीं था, मगर आपको आज बहुत दिनों बाद देख के मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपने वाकई में रोक दिया है, वक्त को रोक दिया है आपने, मतलब समीरा को मैं इतने सालों से जान रहा हूँ, आज के 12-13 साल पहले भी समीरा वैसी ही थी जैसी आज है, कोई चेंजेस नहीं है, इन्होंने वक्त को रोक दिया है, वाह माशाल्लाह। ये बताएं जरा राज लोगों को कि आप किस तरह अपने आप को इतना इतना संभाल के रख पाती हैं, कैसे कर पाती हैं वो सब चीजें। हर कोई रोज मुझसे सवाल पूछते हैं, रोज यू नो, खासकर पर ऐसे लोग जो मुझे इतने सालों से जानते हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम, बस अपना काम करती हूँ, मुझे बस काम चाहिए। आई थिंक पॉजिटिव लाइफ आप गुजार रहे हो ना, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट बनाना, उनको करना, और हाँ मुझे ना किसी के साथ नेगेटिविटी जैसे जलसी और ये
ये सब कुछ कहीं खो गया, ये सब मैं नहीं फील करती. अब मैं काम करती हूँ, अपने काम को दुनिया को करती हूँ, अपना ख्याल भी नहीं रह कुछ सही से होती है ना वो. मे बी आई डोंट नो. डाइट को लेके काफी सारे लोगों के दिमाग में चीजें चलती हैं, बहुत सारे मिथ है डाइट को लेके कि आप कार्ब्स नहीं खाएंगे तो आपकी आप पतली दिखेंगे और ऐसा वैसा. क्या आप भी ऐसा कुछ करती हो? नहीं नहीं खाती मैं, बल्कि हर एक घंटे के बाद खाती हूँ. कोई परहेज नहीं करती हो समीरा? सब कुछ खाती हो, रोटी चावल जूसेस फ्रूट्स एवरीथिंग मीठा सब कुछ? सब याद नहीं है जब मैं मुंबई में जब रहती थी. जी 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 बना के टिफिन में लाती, उन्हें पता है समीरा को भूख लगती है हर एक घंटे के बाद. तो वो मेरे लिए बहुत सारी मुझे देके जाती थी, अब ये एक घंटे के बाद ये खा लेना, अब एक घंटे के बाद. यहाँ तो यार बड़ा बुरा हाल है, मतलब आई एम श्योर सभी जगह बड़ा बड़ा बुरा हाल है लॉकडाउन की वजह से. ना हमें सैलून जाने का मौका मिल रहा है. देखिए दाढ़ियां बढ़ जाती हैं. अभी लास्ट टाइम मेरी दाढ़ी इतनी बढ़ गई थी कि मैं खुद अपने आप को पहचान नहीं पा रहा था, तो मैंने पूरा साफ कर दिया था बिकॉज यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. क्या करेंगे? हाँ कैसे ये बिल्कुल जी लॉकडाउन में क्या सोचा है कोरोना वायरस के बाद किस तरह का होगा बॉलीवुड? अब मुझे लगता है कि जब तक कोई वैक्सीनेशन नहीं आएगा कोरोना वायरस का, ये मैं बहुत जो मैं महसूस कर रहा हूँ वही बता रहा हूँ, जब तक कोई वैक्सीनेशन नहीं आएगा सेल बन जाएगा. ये एक जिंदगी जिस तरह हम पहले कैसे मैं जब अक्सर बाथरूम से नहा के निकलता हूँ तो मैं सबसे पहले अपनी घड़ी ढूंढता हूँ, मेरी वॉच. आई एम श्योर काफी मर्दों को होता होगा ये, मुझे पता नहीं, बट मैं सबसे पहले नहा के निकलता हूँ तो अपनी वॉच ढूंढता हूँ. अब आने वाले वक्त में ये लाइफ स्टाइल बनेगा कि जब इंसान नहा के निकलेगा तो सबसे पहले वो मास्क और ग्लव्स ढूंढेगा, यू नो, कि मुझे घर से बाहर निकलना है. तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ स्टाइल बनेगा कुछ वक्त के लिए, कुछ वक्त के लिए इंशाल्लाह कुछ ना कुछ इसका हल होगा, कोई ना कोई सोल्यूशन होगा, क्योंकि पूरी दुनिया बंद है और पूरी दुनिया इतना लंबा टाइम के लिए बंद नहीं हो सकती. मतलब कुछ ना कुछ तो इसका हल जरूर निकलेगा. अल्लाह अपनी रहमत से कोई ऐसा निकाल दे, कुछ ऐसा दिमागों में डाल दे इंसानों की, क्योंकि हर चीज में बेहतरी करने वाली जात अल्लाह की है. और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कुछ ऐसा होगा, मगर कुछ वक्त तक ये लाइफस्टाइल रहेगा समीरा, मास्क ग्लव्स. मैं ना जिससे भी बॉलीवुड में किसी से बात, भी बल्कि मेरी सुहेल खान से बात हो रही थी, ही टोल्ड मी कि ना बॉलीवुड बिल्कुल चेंज हो जाएगा. ज़ाहिर है लोगों को इस चीज का बड़ा मतलब इस एक बड़ी स्क्रीन पे आप फिल्में देख रहे हैं, सारा कुछ वेब कंटेंट में चेंज हो जाएगा और ऑल दिस. हाँ, सिनेमाघर तो और थिएटर्स तो खुलना बहुत 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 मुश्किल है फिलहाल. अभी मुझे नहीं लगता कि जब तक कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं आएगा तब तक थिएटर्स खोले जाएंगे, क्योंकि कोई भी ऐसी जगह है कि जहाँ पे एक साथ तादाद में भीड़ जमा होती है. अगर लॉकडाउन खुल भी जाएगा तो मेरे ख्याल में नॉर्मल लाइफ की आजादी मिल जाएगी, शायद कि आप अपनी गाड़ी में चले जाएं, कहीं किसी ऑफिस चले जाएं, मगर ये एहतियात बताई जाएगी लोगों को कि आप अपनी एहतियात खुद करें और भीड़ वाले इलाकों में जाने से बचें. शायद इस तरह की जिंदगी चलेगी कुछ कुछ वक्त के लिए, मुझे ऐसा लगता है. मेरे ख्याल में लोगों का एक ट्रस्ट भी खत्म हो गया. लाइक ही वाज सेइंग सुहेल के हमारे एक 90% फिल्म जो है राधे हो चुकी है, 10% वो रह चुकी है. तो एक जो है ना अगर शूटिंग जो लोग कर भी रहे हैं तो कह रहे हैं कि कैसे पता चलेगा कि वो कोरोना फ्री है क्रू में, इतना क्रू होता है, दे कांट वर्क इन ना. तो ये सारी चीजें होती हैं कि बॉलीवुड आगे कैसा आएगा. आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट जी, मैं हाँ, मेरी दो फिल्में थी जो कि अभी रिलीज पर थी अगस्त में जुलाई में. एक फिल्म जुलाई में रिलीज पे थी, एक फिल्म अगस्त में रिलीज पे थी. एंड आई नीड टू फिनिश द सॉन्ग डबिंग ऑफ दोस फिल्म्स. इनफैक्ट आई प्लानिंग टू डब सम आर्टिस्ट, सम अरेबियन आर्टिस्ट फ्रॉम दुबई. तो मेरी बात भी हो रही थी आपके वो काफी फेमस सिंगर हैं साद साद. तो कोई गाना किया हमने, फिल्म का नाम है डेंजरस, मिक्का सिंह ने प्रोड्यूस किया फिल्म, बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर फिल्म में एक्टर कास्ट हैं. तो उसमें एक बड़ा ब्यूटीफुल सा गाना था जो मुझे रिकॉर्ड करना था, दुबई आना था,
कई सारे सिंगर्स को रिकॉर्ड करना था, दिलेर मेहंदी सबको रिकॉर्ड करना था एक गाने के लिए, सब कुछ रुक गया है। अभी पता नहीं कि क्या क्या होगा, कैसे होगा। टीटीपी एक ऑप्शन है कि जहाँ पे फिल्म रिलीज हो सकती है, जैसे कि नेटफ्लिक्स हुआ, अमेजोन प्राइम हुआ, जी फाइव हुआ, ऑल्ट बालाजी, ये जो सोशल जो साइट्स चल रही हैं हमारे यहाँ स्ट्रीमिंग साइट्स, ये एक ऑप्शन है क्योंकि कई सारी फिल्में रिलीज हो रही हैं यहाँ इस पर, क्योंकि लोग घर में हैं, ज्यादा वक्त बाहर नहीं है, तो घर में काफी वक्त है लोगों के पास, तो फिल्में देख रहे हैं लोग फोन पर, तो आई थिंक वैसा कुछ हो इन फ्यूचर। यहाँ सऊदी अरेबिया में तो 28,000 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं, डेथ रेट कम है और लेकिन 28,000 से ज्यादा। 28,000 यू टॉकिंग अबाउट ऑल यूएई और ओनली सऊदी अरेबिया? सऊदी अरेबिया। अच्छा, तो और ज्यादातर मक्का और जद्दा में हैं जो केसेस आ रहे हैं। अच्छा, उनमें सिर्फ 19% सऊदीज हैं और बाकी जो है ना, यानी आई थिंक 81% समथिंग नॉन सऊदीज हैं। And I think वो जो लेबर तबका जो है, जो बहुत ज्यादा एक साथ रहते हैं ना, तो उनको स्कूलों में मुंतकिल कर दिया गया है एहतियाती तदाबीर के तौर पे। तो ये है यहाँ पे 10,000 न्यूज भी बता रहे हाँ, बॉम्बे में इस वक्त 10,000 है, 10,000 केसेस है, 10,000। आपका कैसा गुजरा लॉकडाउन, क्या घर में ही होते हैं पूरा टाइम? मैंने लॉकडाउन का अच्छा इस्तेमाल किया, मैंने अपनी क्रिकेट पे पूरी किताब कम्प्लीट कर ली। अच्छा, इंग्लिश और उर्दू में, अरबिक में अब उसका हो रहा है, तो वो मैं रिलीज करूंगी, इंडिया में भी रिलीज करूंगी। और उसके अलावा मैंने अपना स्क्रिप्ट वगैरह और ज्यादा बेहतर कर लिया। शूटिंग होने वाली थी ना फिल्म की, मुन्नू की फिल्म होने वाली थी, तो वो शूटिंग पोस्टपोन हो गई, लेकिन फिर मैंने उसका स्क्रिप्ट और बेहतर किया और नाउ आई एम सो हैप्पी एज अ राइटर के कॉमेडी स्क्रिप्ट बनाए। सेंस ऑफ ह्यूमर भी जरा अच्छा रहता है ना, अब जरा अच्छा सो रही हूँ अब अपनी मर्जी से, पहले तो ऑफिस जाना होता था तो इंसान फिर एक रूटीन में होता है, तो अभी मैंने स्क्रिप्ट बेहतर कर लिया है। उसका एक गाना जो है ना, हमने एक उसका किया हुआ है ना, जी जी बताया था आपने, हाँ इंशाल्लाह करेंगे वो गाना जरूर करेंगे। तो वो फिल्म अब रियली में अब अच्छी बनने वाली है, आई एम सो हैप्पी। मुझे मेरे ख्याल में मैंने मेरे वो जिस जितने भी काम पेंडिंग थे, जैसे क्रिकेट वाली किताब मैं 4 साल से लिख रही थी जी, और उसको खत्म नहीं कर पाती थी, वो मैंने खत्म कर ली, वो भी 2 languages में, उर्दू और इंग्लिश में लिखी है, अरेबिक में हो रही है। तो दूसरा बिजनेस वगैरह सब रुका हुआ है, मेरे ट्रक वगैरह यमन के बॉर्डर में रुके आई नो ड्राइवर्स को मैंने वापस बुला लिया है क्योंकि रमजान थे वो लोग, हालांकि यमन की गवर्नमेंट उन्हें खाना वाना सब दे रही थी, लेकिन अब उसके बाद जब भी बॉर्डर खुलेगा तो दोबारा से हमारा स्टार्ट होगा। सो सारा रुका हुआ है, तो बस यही है। और मक्के में क्या हालात है, तवाफ वगैरह भी शुरू नहीं हुआ ना अभी भी? नहीं, वहाँ पे जो सिर्फ स्टाफ वगैरह है जो अंदर जो काम करते हैं खाली वो ही हैं, बाहर से किसी को मतलब इजाजत नहीं मिल रही आने की। हाँ, तो वो लोग तो खैर तवाफ करते होंगे, जो लोग अंदर हैं वो तो करते होंगे तवाफ। हाँ, लकी हैं वो लोग, या वो लोग तो तरावी भी हो रही है, 10 रकात तरावी होती है, तो ये क्या मुकद्दर है उन लोगों का, वाकई में यकीन कमाल का मुकद्दर है, बिल्कुल। और अच्छा, अब हमें जो है ना जरा ये बताएं कि आपने आपने अपने फादर के बारे में भी हमें बताया, रियलिटी शो के बारे में भी आपने बात की। अच्छा, एक एक सवाल है जो मैंने आई थिंक पहले भी इंटरव्यू किए थे आपके, तो उसमें भी मैंने पूछा था, पूछूंगी जो हमारे नए लोग हैं जो देख रहे हैं उनके लिए, कि एज अ सिंगर मतलब यू आर सुपर्ब, सिंगर होने के अलावा म्यूजिक डायरेक्टर के साथ साथ ये कैसे सोचा? एक सिंगर जो होता है, अच्छा सिंगर, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक अच्छा सिंगर जो होता है वो कुदरती तौर पर एक अच्छा कंपोजर होता है, वो होता ही है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ सिंगर्स अपनी उस कंपोजिंग पावर को पहचान कर उसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कई सिंगर्स ने किया, और कई बार ऐसा होता है कि अपने प्रोफेशन को नहीं चेंज करते बट एज अ कंपोजर अपने लिए गाने करते हैं और सिंगर बन के काम करते हैं। जैसा कि सोनू निगम साहब का मैं नाम लूंगा, उनका एग्जाम्पल है, वो बहुत ही उम्दा सिंगर है, उम्दा सिंगर है इसलिए वो कंपोजर भी बहुत अच्छे हैं। ही हैज डन अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स फॉर हिमसेल्फ, उन्होंने अपने लिए कई सारे गाने किए बट एज अ सिंगर के तौर पर ही काम करते हैं, उन्होंने कभी अपने इस कंपोजर वाले टैलेंट को आगे नहीं लाया और उसको एज अ प्रोफेशन में जोड़ा नहीं। विशाल शेखर एक नाम है उसमें, विशाल इज अ फैंटास्टिक सिंगर, अगर आप देखें कि कई सारे गाने विशाल ने बहुत सुपर हिट गाए हैं,
अपनी ही फिल्मों के। तो एक सिंगर कंपोजर होता है, बट एक कंपोजर सिंगर हो ये जरूरी नहीं है। जैसे कि प्रीतम, प्रीतम इज अ कंपोजर बट इज नॉट अ सिंगर, एंड देयर इज अ मेनी अदर आल्सो नेम्स व्हिच आर द यू नो ब्यूटीफुल कंपोजर्स बट नॉट द सिंगर्स। सो ये कुदरती अल्लाह की तरफ से देन है कि जो अच्छा सिंगर है वो अच्छा कंपोजर होता है। आई न्यू इट फ्रॉम माई बिगनिंग व्हेन आई वॉज इन जयपुर, आई वॉज स्ट्रगलिंग, आई वॉज डूइंग रीजनल फिल्म्स इन जयपुर राजस्थान, आई वॉज वर्किंग फॉर राजस्थानी फिल्म्स एज अ कंपोजर व्हेन आई वॉज इन जयपुर। When I came to Mumbai, so I got to know that, you know, that Sharif already started as a composer. He already used to make some composition and he used to make me listen his songs. Ki maine gaana ye banaya hai, maine ye gaana banaya hai. Then usko, he knows ki main bhi composer hoon aur main bhi compose karta hoon. Phir that's how ye gaana pehla Mahi aaya, to phir we both decided ki as a composer bhi kaam karna hai saath mein, but we never discussed बिफोर इन लाइफ। ऐसे बैठ के हमने कभी बात नहीं किया कि हमें कंपोजर बनना है दोनों को, कभी ऐसा बातचीत नहीं हुई। वो when I was in जयपुर राजस्थान माय होम टाउन, शारिब और मेरे बीच में कुछ 5 साल का फर्क है, 4-5 साल का। तो जब मैं 20 साल की उम्र में था तो शारिब 14-15 में होगा, 15-16 में होगा, और जब मैं 15-16 में था तब शारिब 11-12 में होगा। तो when I was a composer for राजस्थान रीजनल फिल्म्स, जब मैं रीजनल फिल्म्स के गाने कंपोज करता था जयपुर राजस्थान में, तब शारिब यूज्ड टू असिस्ट मी। वो घर वाले होते हैं ना, बोलते हैं आपके बच्चे को, मतलब एक जैसे बड़ा भाई काम कर रहा होता है तो घर वाले बोलते हैं कि छोटे को भी अपने साथ लगा ले, इसको भी साथ लेके जाया कर, इसे दिखा अच्छा माहौल, ये देखेगा सीखेगा टाइप्स। तो वैसा वाला माहौल था। तो मॉम डैड ने बचपन से ही कहा उसको कि वो मेरे साथ रहे। दैट्स हाउ शारिब ऑल्सो स्टार्टेड हिज म्यूजिक करियर और उसने सीखना शुरू किया। वो कंपोजर था, शारिब भी कंपोजर था, बिकॉज एज आई सेड कि हमारे खून में म्यूजिक मतलब विरासत में मिला है और कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस रहता है, पर मेहनत और रियाज बहुत जरूरी होता है चीजों को निखारने के लिए। तो दोनों के अंदर था, पर उसे निखारना था, जो कि निखारा अपनी मेहनत से, अपने रियाज से। और उसके बाद देन नो वे टू सी बैक। या टच वुड बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह का एहसान है जी। अच्छा मुझे जो है ये बताएं कि सोशल मीडिया पे ना हेट कमेंट्स वगैरह आते हैं, ऑफ कोर्स गार्बेज फ्रॉम द लूजर्स, कैसे उसका हैंडल करते हैं आप, उसको सीरियस लेते हैं? नहीं, मैं सीरियसली कभी सीरियस नहीं लेता। आई नेवर टुक एनी कमेंट सीरियसली बिकॉज आई नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू वैल्यू योरसेल्फ then you know that who you are and you know with whom you should talk, with whom you should not talk, you know. apne aap ko value karna bahut zaruri hota hai. agar aap apne andar apni value karenge aur aapko pata hai ki aapko kiske sath baat karni hai, kiske sath nahi karni hai, to koi aap pe kisi tarah koi kisi cheez ka koi asar nahi padega mere khayal se. to main wohi sochta hu ki main apni value karta hu aur sochta hu ki ye jo faltu dimag jinka chalta hai, jinhe zindagi mein मुझे लगता है कि उनके लिए ये भी एक अपॉर्चुनिटी होती है, ये भी एक अवार्ड होता है उनके लिए कि यार हमने फला फला सेलिब्रिटी को ऐसी लाइन बोल दी सोशल मीडिया पे, ये उनके लिए एक अवार्ड होता है, यू नो, दे फील गुड अबाउट इट कि यार मैंने समीरा अजीज को ऐसा लिख के भेज दिया, मैंने तोशी साबरी को ऐसा लिख के भेज दिया, देखा मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये उनके लिए एक तरह का अवार्ड होता है। उनकी जिंदगी में उन्होंने और कुछ किया नहीं होता है तो उनको लगता है कि यही करके वो अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं, खुश कर लेते हैं। अभी बीच में एक कमेंट आया था मुझे, एंड अंटिल अनलेस दैट कमेंट डजंट टच माय हार्ट, मतलब मेरे दिल को अगर छू दिया ना किसी चीज ने तो फिर मैं जवाब दूंगा उसका। तो मैंने उस कमेंट का जवाब दिया था, बड़ा अजीब सा भद्दा कमेंट था रिगार्डिंग रिलीजन और हिंदू मुसलमान दिस एंड दैट। तो मैंने बड़ा जवाब दिया उस इंसान को और बहुत अच्छा तरीके का जवाब दिया, काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया उस जवाब को कि बहुत तमीज के दायरे में रहकर बिना कोई बदतमीजी किए हुए आपने जवाब दिया है और बहुत अच्छा जवाब दिया है। सो लाइक दैट। मैं तो कमेंट्स नहीं पढ़ती, लेकिन मैं ये सवाल इसलिए करती हूँ सारे सेलिब्रिटीज से, क्योंकि जो ऑडियंस है जो, और उनमें से बहुत सारे लोग जो इस तरह की चीजें करते हैं अपना डिप्रेशन निकालते हैं, उनको पता चले कि सामने वाला कैसे सोचता है।
हम लोग कैसे सोचते हैं, मतलब एक बंदा अब तोशी साबरी पे वो बात कर रहा है, और तोशी साबरी मतलब एक कमाल का एक सिंगर, सीखा हुआ सिंगर है, और सामने है उसकी कारकिर्दी की दुनिया के, और एक ऐसा बंदा तोशी साबरी के बारे में बात कर रहा है जो मतलब उसने कभी शायद बाथरूम में भी नहीं गाया होगा, नहाते हुए भी नहीं गाया होगा जी. यू नो, तो यानी इंसान को थोड़ा अपना देख लेना चाहिए भाई, आप सही बात है, यू नो आप किससे बात कर रहे हो, तो लोग कुछ किसी को कुछ भी बोलते हैं, तो ये सारी चीजें, तो थोड़ा सा इंसान को अपनी रिप्रेजेंटेशन, अपनी नुमाइंदगी करनी चाहिए, हर कोई अपनी रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है, तो लोगों को थोड़ा सा हम सीख दें कि आप जब बात करें तो आप जब ऑनलाइन होते हो तो आप पूरी दुनिया को दिखा रहे होते हो आप कौन हो. सही बात, देख के बोले, अब आप अगर तोशी साबरी के बारे में लिख रहे हो तो आप खुद कौन हो भाई. तो ये सारी चीजें, आपसे बात करते करते मुझे भी एक चीज बड़ी अच्छी याद आई. I remember when I did my first interview with you, Saudi Gazette के newspaper के office दफ्तर में गए थे हम, और अल्लाह जन्नत नसीब करे जाहिद भाई मुझे अपनी गाड़ी में लेकर गए थे आपके साथ इंटरव्यू करवाने, इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे. तो जाहिद भाई और मैं रास्ते में जा रहे थे और बड़ी बड़ी शदीद गर्मी थी, और हम पहुंचे थे आपके ऑफिस में, और जैसे आपके ऑफिस एंटर हुए तो इतना ठंडक भरा माहौल, कमाल के बड़े बड़े एसी लगे हुए थे, क्योंकि हम बहुत गर्मी से आ रहे थे, यू नो जद्दा की गर्मी, और रोड पे निकलना मुश्किल होता है जिस दौरान की मैं बात कर रहा हूँ, उस महीने में उस टाइम पे, और आपसे मुलाकात हुई तो वो डर्ट बाइक का एक फोटो छापा था आपने मेरा, आपको याद हो अगर तो, आई वाज स्टडी डर्ट बाइक, डर्ट बाइक पे कोई फोटो खिंचाया था मैंने कहीं तो भी किसी शोरूम पे, दैट पिक्चर यू पब्लिश्ड ऑन ऑन दैट इंटरव्यू, और आई रिमेम्बर यू वेयरिंग अबाया, एकदम सब कुछ फ्लैशबैक, एकदम ऐसा लग रहा है मेरी आंख के सामने एक फिल्म चल रही है, यू नो. डेफिनेटली वो टाइम मेरे करियर का बहुत गोल्डन टाइम था, इस लिहाज से कि मेहनत तो बहुत थी उस टाइम पे भी, लेकिन वहां जो कुछ सीखने को मिला वो आज मेरे काम आ रहा है. जर्नलिज्म यू नो एक ऐसी फील्ड है, अगर वो सऊदी जर्नलिज्म है तो उधर मर्द भी उस टाइम पे काम करते हुए जो है वो डरते थे, 10 दफा सोचते थे, वहाँ एक तलवार की धार पे आप चल रहे होते, क्योंकि हम लोग डिसिप्लिन होते थे, और मैं आदमियों के साथ मेल सेक्शन में बैठ के उस टाइम पे काम करती थी, मैं लेडीज सेक्शन में नहीं बैठती थी, क्योंकि एक मेरा लीडिंग रोल था जो कि मैं एक अलग सेग्रीगेट होके काम वो नहीं कर सकती थी, तो उस टाइम पे ऐसा माहौल नहीं था, औरतें ज़्यादातर या तो टीचर होती थी या डॉक्टर होती थी, जर्नलिस्ट नहीं होती थी, तो इस हवाले से वो डेडलाइन पे काम करना रोज़ाना एक क्राइसिस मैनेजमेंट, उसने उस दौर ने मुझे जो कुछ सिखाया है वो आज भी जो है वो मेरे लिए बहुत मददगार साबित हो रहा है. अच्छा, आप ये बताएं कि आप जो हैं अपने बेटे को सिंगर बनाएंगे. मेरे बेटे को मैं इस बारे में ऑनेस्टली नहीं सोचता हूँ कुछ भी. बाय द वे मुझे आपकी आवाज बहुत कट के आ रही थी, मैंने आपके लिप मूवमेंट को रीड किया और मैंने सुन लिया. तो मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं, अभी तो बहुत छोटा है, बट डेफिनेटली वही जो चीज मैं महसूस करता था जब मैं बच्चा था, आई एम श्योर ही मस्ट बी फीलिंग द सेम, बिकॉज मैं दिन भर गाता रहता हूँ उसके सामने, तो वो भी गाता है, मुझे गाता हुआ देखता है, एंड ही कॉपी मी, ही लाइक यू नो वट एवर आई डू इन माई डे रूटीन ही हैज टू डू द सेम. अगर मैंने शावर लिया है तो उसको शावर लेना है, अगर मैंने कपड़े चेंज किए तो उसे कपड़े चेंज करने हैं, अगर मैंने ये ऐसा बांधा है नमाज के लिए अमामा तो उसे अमामा बांधना है. हद तो ये है कि मैं चश्मा निकाला अपना ये वाला पहनने के लिए, तो उसने अपनी माँ को बोला कि चश्मा पप्पा जैसा निकालो मेरा भी, तो उसने ये निकाला अपना छोटा. ये मेरा और ये ईसा का, तो ये मेरी हर चीज कॉपी करता है, तो वो एक बहुत अच्छी बात है कि द बॉयज फर्स्ट हीरो इज हिज डैड. तो अभी तो ये है, अगर उसका रुझान और इंटरेस्ट रहा तो डेफिनेटली जरूर, और अगर रुझान नहीं रहा तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा फॉर श्योर. मैं अगर हमारी जनरेशन में म्यूजिक का एंड यही है शारिफ तोशी पर, तो वो चलेगा मुझे, आई डोंट माइंड, नॉट नेसेसरी कि हमारे बाद भी हमारी पीढ़ी म्यूजिक में ही हो, करेगा तो बहुत अच्छी बात है. ईसा आप क्या करोगे बड़े होके? इधर आओ, जल्दी आओ, इनको बता दो, पहले पहले इनको बता दो आप बड़े होके क्या करोगे. चलो ईसा कोई पूछते हैं कि ईसा क्या करेगा बड़े होके. ईसा बड़े होके बड़ा होके स्पाइडरमैन बनूंगा. स्पाइडर
स्पाइडर बनूंगा मैं। और ये आपको किसने सिखाया? मुझे। हाँ, किसने बताया ये बात आपको? और मैं बड़ा हो क्या हल्क बनूंगा। हल्क बनेगा बड़ा होके? हल्क बनेगा। हल्क। हाँ हाँ। और ये किसने सिखाया आपको? मुझे। हाँ, शारिफ पप्पा ने सिखाया था। शारिफ पप्पा ने? शारिफ को पप्पा बोलता है वो। तो शारिफ के सामने इसने एक बार बोला कि मैं बड़ा होके शो करूंगा। तो शारिफ ने इसको ऐसे गुस्सा किया कि नहीं, आप शो नहीं करोगे। तो फिर इसने बोला फिर मैं क्या करूंगा? तो फिर इससे शारिफ ने पूछा कि आप बताओ क्या करोगे? तो फिर इसने बोला कि मैं, शारिफ ने बोला कि आप बड़े होके स्पाइडरमैन बन जाना। तो इसने कहा ठीक है। तो तब से फिर ये ऐसे बोला आप बड़े होके स्पाइडरमैन बनोगे। और फिर स्पाइडरमैन बन के फिर क्या करोगे? फिर कैसे निकालोगे बैग? अच्छा, दिखा दो स्पाइडरमैन, दिखा दो स्पाइडरमैन, ये बनेगा भाई, ये बड़े होके। सही। वेब निकाल दो अभी इसी बात पे। वेब निकालना। वेब निकाल दिया उसने। वेब निकाल रहा है वो। चलो जाओ मां के पास। जी, कोई नात कोई अच्छी सी? अभी आपकी एक नई नात आई थी, आपने भेजी थी दानों के लिए जो आपने बनाई। हाँ, मैं जरूर, वन ऑफ माय फेवरेट नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जरूर गा देता हूँ। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे ना कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, ऐ कातिबे तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, ओ निगाहे करम, ताजदारे हरम, ओ निगाहे करम। हम गरीबों के दिन भी सबर जाएंगे, हामिए बेकसा, हामिए बेकसा, क्या कहेगा जहां, हामिए बेकसा, क्या कहेगा जहां। आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अभी रमजानों के बाद, ईद के बाद, जब बाद में दोबारा से ऑनलाइन इंटरव्यू करेंगे, फिर हम गाने सुनेंगे। जी जरूर जरूर जरूर। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि मेरे पास कुछ सवालात मैंने लिखे थे। अच्छा, एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, जाहिर है बहुत सारे सिंगर्स के साथ आपने काम किया है, कोई ऐसा सिंगर जिसने आपको बकायदा नाराज किया हो? अब यार, ऐसा सवाल का जवाब अगर मैं अभी ऑनलाइन दूंगा तो वो सिंगर बेचारा नाराज हो जाएगा। तो मैं मुझे नाम बताए बगैर बताता हूँ। मैं ऐसा एक सिंगर मेरी जिंदगी में एक नहीं दो, और काफी बड़े नाम है। अगर मैं नाम ले दूंगा ना तो आप चौंक जाएंगे, मतलब सुनने वाले भी चौंक जाएंगे। वो दो सिंगर मेरी जिंदगी में ऐसे थे जिन्होंने मुझे इस इंतहाई लेवल पे परेशान किया कि मुझे बोलना पड़ा उन्हें माइक पर कि मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, या तो आप निकल जाए स्टूडियो से, नहीं तो मैं निकल जाता हूँ। क्योंकि एक लेवल क्या होता है कि, मतलब जैसे कि आपने कहा कि एक होता है सीख कर गाना, और एक होता है कि कोई हवा चली और किसी हवा के साथ साथ अल्लाह ने आपकी तकदीर का सितारा पलट दिया और कोई एक गाना आपका हिट हो गया। तो पब्लिक को लगने लगा कि आप सिंगर हैं, आपका गाना हिट हो गया। अगर कोई गाना हिट हो जाता है, दैट डजंट मीन दैट गाय, दैट द पर्सन इज अ सिंगर। एक सिंगर शब्द में बहुत बड़ी, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें छुपी होती हैं। एक सिंगर को वर्सेटाइल होना बहुत जरूरी होता है,
एक सिंगर को अपनी आवाज पे काबू कंट्रोल होना जरूरी होता है, एक सिंगर को अपने सुरों पे काबू होना जरूरी होता है। ऐसे तो आई एम श्योर अगर मैं आपको गाने बोलूंगा तो आप भी बहुत अच्छा गा देंगी कुछ ना कुछ, और आई एम श्योर मैं आपको रिकॉर्ड करूंगा इन फ्यूचर, और जब आपको रिकॉर्ड करके आपकी आवाज सुनाऊंगा तो आप बोलेंगे कि ये तो मैं हूं ही नहीं, ये तो कोई और है, क्योंकि टेक्निकली हम लोग इतना आगे हैं आजकल। टेक्निकलिटी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, वी हैव नाउडेज वी हैव लॉट ऑफ इक्विपमेंट्स, लॉट ऑफ गैजेट्स के जिससे हम एक नॉन सिंगर को सिंगर बना सकते हैं। तो वही वजह है कि वो लोग नॉन सिंगर होते हुए सिंगर बन जाते हैं, और कोई एक आधा गाना हिट हो जाता है, फिर लोगों को लग लगता है कि ये सिंगर है, फिर लोग डिमांड करते हैं कि यार उनसे गवा लो, और हमें पता होता है कि सच्चाई क्या है, हमें पता होता है बिकॉज हम रात दिन वही काम कर रहे हैं, हमको पता है कि कौन सा प्लग इन यूज किया है आवाज पे, कौन सा गैजेट, कौन सी टेक्निक यूज की गई है आवाज पे जिसकी वजह से ये आवाज ऐसे साउंड कर रही है। जब उसको आप नेकेड सुनेंगे तो आप अपने कानों पे उंगली लगा लेंगे लाइक दैट। आलिया भट्ट समझावा जो है उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा था? हाँ, आलिया भट्ट से हमने गवाया, बट आई मस्ट अप्रिशिएट अबाउट दैट एक्ट्रेस ऑफ आवर कंट्री, शी इज अ सुपरस्टार। वो बहुत सुर में, आलिया भट्ट सुर में गाती है, मतलब ये कुदरती तौर पे उनको देन है अल्लाह की, शायद उनके घर में उनके वालिद साहब और उनके चाचा मुकेश भट्ट, महेश भट्ट साहब, महेश भट्ट साहब का काफी और मुकेश भट्ट साहब का काफी ताल्लुक रहा है म्यूजिक से। आप देखें तो उनकी सारी फिल्मों का म्यूजिक स्टार्ट टू एंड सुपर हिट रहा है। सुपर हिट म्यूजिक डिलीवर करने वाले अगर कोई बैनर रहे हैं इंडिया बॉलीवुड में तो वो भट्ट फिल्म्स, विशेष फिल्म्स। तो मेरे ख्याल में म्यूजिक इस करके उनको म्यूजिक की थोड़ी समझ है और सुर में गाती है, तो शी वाज व्हेन वी वर रिकॉर्डिंग आलिया भट्ट तो उतना को ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। बट एक कमाल की बात बताऊंगा जो सुनकर आपको हंसी आएगी। आलिया ऐसे बैठ के नहीं गा सकती, जैसे जैसे मैंने ऐसे गाया कोई गाना मैं तेनु समझावा की, श्रीकांत सिंह लगता है, हम जब रिकॉर्ड कर रहे थे वो तब भी ऐसे ही गा रही थी, ऐसे ऐसे मैं तेनु समझावा जैसे कोई अंगड़ाई ले रहा हो। एंड व्हेन आई आस्क हर अबाउट दैट, then why are you doing all that, because when we were recording her on a mic, so the leveling of the mic was disbalancing because she was moving right, so mic ka balance hilta hai. aap jab mic pe gaate hain to ek hi position mein khade hoke aapko gana hota hai, zyada hilenge to voice ka balance hilega, kahin pe kam sunai degi kahin zyada sunai degi, you know, to wo technically fault mana jata hai. to I told her ki aliya aap bahut move kar rahe ho, aap aise gaoge to mujhe balance karne mein issue hoga. Then she was like, मैं ऐसे नहीं गाऊंगी तो मैं गा ही नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं हमेशा बचपन से ऐसी गाती आई हूँ, you know? तो वो सबका ऐसे करके पढ़ते हैं ना जो ऐसे से, हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यू आर राइट, वैसा तो दैट्स व्हाई, हाँ हाँ सबक सुनाते हाँ हाँ दैट वाज रियली अ वंडरफुल सॉन्ग एंड तोशी कैन तोशी शारिफ कैन डू इट आई बहुत जबरदस्त था हर हर सॉन्ग और एवरीथिंग जी गानों का ना जिक्र करके दिल चाहता है गाने सुनो लेकिन अभी वो टाइम भी ऐसा है ना जी आई नो मुझे ना बहुत जल्द करेंगे नुमान अहमद ने रात का टाइम दिया है ना ऑनलाइन शो के लिए अच्छा नुमान दैट पाकिस्तानी सिंगर हाँ वो उसने उन्होंने भी महेश भट्ट की ही फिल्मों में गाया हुआ हाँ मैं समझ गया हाँ आई नो तो I met this guy when I was doing Raaz. He has done a song in one of my film, which I have done a music of the film, the entire film called Jashn. Jashn ka music kiya tha humne, to usme ek gana Noman ne kiya tha. Puri film ka music humne kiya tha aur ek gana Noman ka tha. To mujhe yaad hai meri mulaqat Noman se hui thi Bombay mein Bhatt saab ke office mein. Wo gana tha uska Dard e Tanhai mein. Haan. To वरना मैंने तो सोचा था रमजान में सिंगर्स को नहीं लाएंगे क्योंकि फिर वो सारे लोग चाहते हैं उनसे गाना सुनना चाहते हैं तो उसने उसे कहा कि मैं उससे जो है ना फिर मैं गाऊंगा जी 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 आपके रोजे कैसे चल रहे मेरे अच्छे जा रहे माशाल्लाह घर में माशाल्लाह सभी रोजेदार होते होंगे सब रोजेदार होते हैं तो हमारे यहाँ तो इससे पहले पिछले रमजान में हमारी फिलिपिनो तो मुसलमान भी हो गई थी वो भी पहली दफा रोजे रखते थे माशाल्लाह अभी मैं देखा पीछे आपके जो
काम वाले लोग हैं पीछे, दिखाई दे रहा था कैमरा में। ये भी हमारे रोजे खुलते माशाल्लाह। लेकिन इससे पहले जो थी ना वो मुसलमान हो गई थी। इनहाउस ही होते हैं ना ये लोग सब, आपके इनहाउस में मतलब परमानेंट घर पे ही रहते हैं टाइप का। हां तो फिर वो एक लाइफ स्टाइल है। फिलिपिनो है ये भी। हां तो वो साथ में वो सबको देख रहे, दूसरी जो है वो लोग रोजा रखते हैं और ये तो फिर वो भी ये रखे। फिर इस्लाम के बाद ये लोग कब जाते हैं अपने घर घर वालों से मिलने वगैरह, कब जाते हैं लोग? ये लोग दो दो साल के बाद जाते हैं। अच्छा रोज बात करते हैं तो कॉल पे एफ आई अगर ये लोग अपने घर हाथ ही चला रही होती है वहां पे। और अच्छा अभी जो है ना मैं रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगी। जी जरूर। अच्छा एक दो है, एक रैपिड फायर है और एक एक्सट्रीमली क्विक रिप्लाई रैपिड फायर। जरूर इससे पहले आप शुरू करें, मुझे वो आपको याद है एक इस एक वक्त आप बॉम्बे आई थी, मुझे सन याद नहीं है, तब आप शायद मैरिट में रुकी थी, शायद जेडब्ल्यू मैरिट, याद है आपको जुहू के पास? हाँ मैरिट में आप रुकी थी और वहाँ जू बीच सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाया करती थी आप। आपने बताया था कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ मैं जू बीच पे, बड़ा मजा आता है। अच्छा वहाँ पर जू बीच वो मुझे पहचानते थे, मैं बाद में भी जब मैं लाइफ में आती थी ये फिल्म जी तो बाद तो कुत्ते जानते क्या वो कुत्ते थे सारे टूरिस्टों को ऐसे करते तो मालूम नहीं, मगर मुझे लगा कि वो मुझे कुत्ता पहचानता है। पता है मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि जो आपको एक बार देखेगा ना वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा, ये अल्लाह ने मैं सच बता रहा हूँ, ये अल्लाह ने बहुत बहुत कम लोगों को दी है ये सिफत, मैं सच बोल रहा हूँ। कोई एक बार देख लेना दोबारा नहीं भूल सकता, क्योंकि माशाल्लाह आई रिमेम्बर एंड इनफैक्ट द लास्ट टाइम व्हेन यू केम टू मुंबई आई केम टू मीट यू एंड आई थिंक वी वर गोइंग समवेयर फॉर अ ड्राइव और समवेयर आई थिंक हम लोग शायद मैं आपको अपने घर लेकर आ रहा था मम्मी से मिलवाने, मम्मी ने बुलाया था, हम गाड़ी में थे, तो मैं नोटिस किया कि लोग आपको मेरी गाड़ी के अंदर से झांक झांक के देख रहे थे कि अरे कौन है, यू नो। तो लाइक यू आर नॉट लाइक नॉर्मल पीपल, यू हैव समथिंग इन योर पर्सनालिटी व्हिच मेक्स यू डिफरेंट एंड पीपल ऑलवेज अट्रैक्ट टुवर्ड्स यू व्हेनेवर दे सॉ यू। उसी से तो फायदा उठाने ऑन कैमरा आ रही हूं। मुझे हालांकि ज्यादा फिल्म मेकिंग का शौक है, डायरेक्शन और ये इस तरह से, बल्कि लाइव वाइज वालों ने जब मुझसे थिएटर कराया तो उन्होंने ये कहा कि जब आप एक्टर नहीं करोगी एज अ डायरेक्टर आप के मसाले पर खा दो। एंड देन कवर सर ने कहा कि आप ऑन कैमरा, मैं इतना ज्यादा एंबिशियस नहीं हुआ एक्टिंग के लिए जी, डायरेक्टर ही आई थिंक मैं ज्यादा लेट्स सी आगे एक फिल्म आ रही है कोरोना वायरस हमारा बहुत कुछ काम हो चुका था। आई नो नेवर माइंड। अच्छा मुझे आप रैपिड फायर ये बताएं, थोड़े से शुरू करेंगे, पजामा और ट्राउजर? ट्राउजर ट्राउजर। चप्पल और शूज? चप्पल। मधुबाला और माधुरी? मधुबाला एनी टाइम। ओके आलिया भट्ट एज अ सिंगर और एक्टर? As an actress. Concerts or film songs? Concerts. Okay. Singing or music direction? I enjoy both basically. Seriously. Whenever मैंने परसों अपनी बीवी को ये बात कही, आप यकीन मानना जब मुझे कुछ आमद, and I'm sure आप इस बात को यकीन करेंगे क्योंकि आप खुद भी एक creative person है, जब मुझे आमद होती है ना किसी गाने की या कुछ सुर आ रहे होते हैं दिमाग में तो मुझे गूजबम्स होते हैं, मुझे रोंगटे खड़े होते हैं और रोंगटे खड़े होते हैं और एकदम से मुझे वो गाना ध्यान में आता है कि ये गाना बनाना है। मैं एक गाना कर रहा हूँ जो इंशाल्लाह बहुत जल्द रिलीज होगा, इसी 10-12 दिन में सुनेंगे आप, ये कोविड जो चल रहा है ये जो सिचुएशन है, सो वी आर डूइंग अ सॉन्ग फॉर आवर कंट्री, सोल्जर्स लाइक डॉक्टर्स, कॉप्स, द क्लीनर्स, द स्वीपर्स,
सो वी आर डूइंग द सॉन्ग फॉर देम. जो लोग आज हम अपने घरों में डर कर बैठे हुए हैं कि यार हम घर से बाहर निकलेंगे, हमारे घर में छोटा बच्चा है, एक बुजुर्ग माँ है, तो हमें सबको संभालना है, मगर उनके भी घर में छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, मगर वो उनकी परवाह, किसी की परवाह किए बिना हमारे लिए अपनी जान को दांव पे लगा के हमारी सड़कों पे हिफाजत कर रहे हैं, और लॉकडाउन में पुलिस का पूरा रोल, बड़ा रोल है, तो उनके लिए गाना कर रहे हैं हम. तो परसों वो गाना मैंने कंपोज किया, एंड व्हेन आई वाज थिंकिंग, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा था, मैं लेट गया. लेटा, लेटते मुझे गूज़बम्स हुए, और इट्स लाइक अ वेरी फनी टू से, इट्स लाइक अ लेबर पेन, यू नो, कि जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तब औरत को जो लेबर पेन होती है, उसी तरह मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मुझे कुछ गाने की आमद होने वाली होती है तो मुझे गूज़बम्स आते हैं. तो ये थोड़ी नई बात थी, आई थॉट टू शेयर. आमद मुझे भी पता है, मुझे भी होता है जब शेर की आमद. And then I have to write it, you know, फिर मैं अपने mobile note. Correct. मैंने पता है अपना पूरा मुसव्वदा भिजवाया है लफ्जों की कायनात का. और publisher को मिला ही नहीं. DHL किया हुआ. अच्छा. Corona. इंशाल्लाह सब अच्छा होगा. हाँ. मुझे इतना मतलब मेरे ख्याल में आगे मेरे भी इस तरह तीन चार दीवान तो और भी आ सकते हैं. इतने इस तरह से मेरी शायरी जब पड़ी है. मुझे भी गूज़बम्स होते हैं. आमद होते हैं ना, then you have to do. Yeah. White or black? Both I love and you know. That I know that. You know. Okay. Mahi or Marize Ishq? Mahi. And there'll be always Mahi because you know, not that Mahi is a very initial time composition of ours. आप जब किसी काम में ज़्यादा मंच जाते हैं ना. तो और ज्यादा बेहतर हो जाते हैं. एंड मरीज़े इश्क, इट्स आवर बेटरमेंट साइड. हम जब बेहतर हो गए म्यूजिक करते 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 करते, फिल्मों का अंदाजा होने लगा, फिल्मों के म्यूजिक का पता चलने लगा. बट माही हमेशा रहेगा दिल के करीब, क्योंकि उसने बहुत बहुत कुछ दिया. उस गाने ने बहुत कुछ दिया है, शब्दों से परे है मतलब, इसलिए माही. अरे माही सुनकर मेरे पीआर मैनेजर, ही इज अ सीरियन, जी आशिक हुए हैं. शुक्रिया. Just waiting, yes. जी. जी. तो मेरे पास हो हर बात क्या देख सके. कोशिश है मेरी बात करो. जी. जी. तो उसकी कोई सवाल नहीं, लेकिन इस तरह की कॉर्नर को शायद बोली भी नहीं होगी. जी. And he is a total top. माशाल्लाह, शुक्रिया. कहिएगा मेरा उनको आप. वो सुनते हैं रोज. तो ही वाज शोइंग मी हिज ब्राउज़र, उनके ब्राउज़र में ही माही लिखा था. कहते मैं रोज सुनता हूं. वाओ, सो दिस इज अ मैजिक ऑफ योर माही. ओके, एंड वादा रहा और कलमा. वादा रहा. या वो वादा रहा का याद है? याद है. याद है. वो हम ऑनलाइन नहीं सुना सकते, वो मैंने तो रेड लाई थी गाने की. जी जी, आई नो. शायरा होने का गलत इस्तेमाल. अच्छा, रेशम का रुमाल और संयावे. 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 अच्छा, अरिजीत सिंह और उदित नारायण. अरिजीत सिंह. मुझे मालूम था बिकॉज ही इज अ फ्रेंड. हां. ओके. मीका सिंह और योयो हनी. मीका सिंह. Again, he's my friend and I know him better than Hani Singh. Sunidhi Chauhan or Neha Kakkar? Sunidhi Chauhan. Because she's a kind of a singer. जैसे कि मैंने कहा ना, मैं सुनिधि के लिए एक ही वर्ड बोलता हूँ हमेशा, कि सुनिधि जो है वो म्यूजिक की सोल्जर है. मतलब she's like a, you know, एक कड़क जवान होता है ना. She's that perfect in music. I mean, मतलब she's so energetic. She has a lot of energy. मैंने कितनी बार काम किया है सुनिधि के साथ, कितने सारे गाने किए हम लोगों ने साथ में. मैंने जब जब सुनिधि को रिकॉर्ड किया है ना, मैंने सुनिधि में एक 20 साल की लड़की की पैशन और पावर और एनर्जी देखी है. ऑलवेज ऑलवेज. मतलब वो 20-22 साल वाली एनर्जी जो है ना, वो बड़ा, वो जो क्रेजीनेस होती है ना, वो बहुत कम लोग मेंटेन कर पाते हैं अपने टूवर्ड्स अपने काम की अगर बात करें तो. एंड सुनिधि हैड दैट ब्लेसिंग
to maintain that energy of 22 years old girl. जी अच्छा और शारिफ हाँ जी क्या चीज तोशी और शारिफ यार ये बड़ा ट्रिकी सवाल है जर्नलिस्ट आई 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 से शारिफ शारिफ आई न्यू दैट नाइस ब्रदर क्या हमेशा से शारिफ तो हमें हम लोग ये बोल रहे थे कि तोशी शारिफ क्यों है तोशी क्यों है तोशी शारिफ क्यों नहीं है तोशी तो बड़ा वाला है शारिफ को बाद में होना चाहिए Sharif also wants like this from the beginning when we started our career and जब हमने सोचा कि हम as a composer साथ में काम करेंगे तो क्योंकि उसकी वजह है क्योंकि तोशी साबरी मेरा सरनेम है अगर हम तोशी और शारिफ करते हैं तो शारिफ will always sound like a साबरी you know like some people will get confused कि तोशी शारिफ है तोशी साबरी है ऐसा तो वो साबरी सरनेम की वजह से ऐसा डिसाइड किया हम दोनों ने और शारिफ ये चाहता भी था कि ऐसा रहे कि शारिफ पहले रहे और तोशी का नाम बाद में रहे सो आई नेवर हैड एनी प्रॉब्लम विद दिस आई मीन आगे पीछे अगर मैं आगे हूँ तो भी उसके साथ हूँ और पीछे हूँ तो भी उसके साथ हूँ साथ तो उसी के हूँ अच्छा अभी जो है ना हम एक्सट्रीमली क्विक योर फियर My fear is lizard. Lizard? Fantasy? Fantasy... यार fantasy बहुत सारी तरक्की की होती है मतलब there is some fantasy which is related to your personal life. There's some fantasy which is related to your professional life. तो I guess हम personal life वाली fantasy की बात तो नहीं कर सकते तो जो प्रोफेशनल लाइफ की फैंटेसी है वो यही है कि जिंदगी भर जब तक मैं जिंदा हूँ और जब तक मैं मुझमें जान है मैं अपनी ऑडियंस के लिए हजारों लाखों की तादाद में मेरे सामने रहे और मैं गाता रहूँ और वो लोग मुझे चीयर करते रहे दैट्स माय फैंटेसी एंड दैट्स ऑलवेज माय मुझे ख्वाब भी अक्सर ऐसे ही आते हैं कि मैं हजारों के सामने गा रहा हूँ लोग चिल्ला रहे हैं मेरा नाम ले रहे हैं तो यही फैंटेसी हो सकती है ऐसा तो हर एक कॉन्सर्ट में होता होगा होता है बट मैं चाहता हूँ कि ऐसा होता रहे बस लाइफ टाइम ओके योर एम माय एम टू बी वेरी ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ ऐसा बिल्कुल नहीं कि रमजान चल रहे हैं और ये इंटरव्यू रमजान में है तो मैं दिखावा कर रहा हूँ क्योंकि मैं कुरान तर्जुमे से पढ़ रहा हूँ और यकीन माने तर्जुमे से कुरान पढ़ना शुरू किया मैंने तो मेरी बहुत सारी चीजें अपने आप क्लियर होती गई और मैंने कहीं ना कहीं इस चीज को समझ लिया कि कुरान तर्जुमे से पढ़ना बहुत जरूरी है मेरा जिंदगी में एम यही है कि जब तक मैं अपने प्रोफेशन से जुड़ा हूँ और जब तक मैं गा रहा हूँ तब तक मैं अच्छा काम करूँ अच्छा अच्छे गाने लोगों तक पहुँचाऊँ लोग मेरी आवाज से हमेशा फैजियाब रहें और खुश होते रहें और एक वक्त के बाद जब मैं रिटायरमेंट की एज पर आऊंगा और जब मैं रिटायरमेंट सोचूंगा जिंदगी में तो मैं सच में एक अच्छा दीनदार बनना चाहता हूँ मतलब अल्लाह मुझे दीन की तरफ ले आए ईमान की तरफ ले आए और मैं स्कॉलर तो नहीं बट हाँ एक अच्छे दीनदार आदमी के रूप में मेरी पहचान हो आगे जाके मैं ये चाहता हूँ एंड योर ड्रीम माय ड्रीम टू विन ऑस्कर मैन सीरियसली To win Oscar, yeah. Inshallah. Inshallah. And your happiness? My happiness, Isa. And your biggest addiction? My biggest? Addiction. My biggest addiction? Addiction kuch nahi hai mujhe. Paan. Chhod diya. तीन चार महीने हो गए छोड़ दिया तभी तो मैंने कहा कि एडिक्शन नहीं है मुझे कुछ पहले था अब नहीं है गुड ओके एंड योर एसेट माय योर एसेट माय फैमिली योर फैमिली यस ट्रू अच्छा अभी जो है ना जाते क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस से
हाँ बस यही कहना चाहूंगा कि जितने लोग देख रहे हैं रमजान का, बहुत सबसे पहले तो रमजान का बहुत अच्छी तरह से एहतमाद करें, इबादत करें, रोजे रखें। बहुत ही मखसूस करम है हम पर अल्लाह का कि अल्लाह ने हमें ये रमजान दिखाए। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो रमजान से पहले दुनिया छोड़ दी जिन्होंने, और बहुत से ऐसे जो बीमार हैं नहीं रोजे रख सकते। तो ये अल्लाह का हम पे एहसान है कि हम तंदुरुस्त हैं और रोजे रख भी सकते हैं, और अल्लाह ने जिंदगी भी दी है। तो ईमान पे रहें, रोजे रखें, रमजान का एहतमाद करें, लोगों से प्यार करें। कोविड से ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह पे यकीन रखें, दुआ करें और परेशान ना हो। लॉकडाउन में क्रिएटिव चीजें करें, जैसे कि समीरा ने किया कि अपनी क्रिकेट की किताब कंप्लीट कर ली। मैं कर रहा हूँ कुछ कुछ क्रिएटिविटी कर रहा हूँ, कुछ गाने बना रहा हूँ, कुछ कुछ नई चीजें करता हूँ घर में। ईसा को पढ़ना शुरू किया है मैंने, बिकॉज दिस ईयर सपोज टू बी ईसाज फर्स्ट ईयर इन स्कूल, बट अभी ये लॉकडाउन हो गए और स्कूल तो खुलने वाले हैं नहीं, तो उसका टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया उसे घर में। तो लॉकडाउन का इस्तेमाल करें, मतलब एक जगह सोफे पर, एक बेड पर लेट कर फालतू फिल्में देख कर वक्त जाया ना करें, कुछ ना कुछ इस्तेमाल करें। मुझे कहने का मतलब ये है, थैंक यू वेरी मच, इज ऑलवेज अप एंड गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, से सलाम टू योर फैमिली, सबको सलाम कहिए मेरा, अहमद को प्यार, रीम को प्यार, एंड अल्लाह हाफिज। मेरी तरफ से भी सबको बहुत बहुत सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी जनाब, तो कैसा लगा आपको तोशी साबरी से मिलकर? हम इसी तरह की मज़े की बातें करते रहेंगे, फन, एंटरटेनमेंट, इवेंट, सेलिब्रिटी और बहुत कुछ। और क्योंकि मैं हूँ जर्नलिस्ट, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन तो दूंगी ही दूंगी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, फिर शामिल होंगे BJM एंटरटेनमेंट इंडिया से बिरेन बगाड़िया और उनकी टीम मयूर गुप्ता, और समीरा अजीज़ एंटरटेनमेंट की टीम सायद अब्दुल लतीफ़। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ यू, स्टे कनेक्टेड, टिल देन, मा असलामा, बाय बाय।